चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। कल हमने एक्चुअल में एक मतलब समझा था, एक वर्ड जिसका नाम क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर। सबको याद है? दोबारा बताऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन वर्ड मैंने कल ये यूज किया था, सबको याद है? ऑक्सीडेशन नंबर याद है? मैंने क्या बताया था, एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेशन या कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए है, याद है? कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए है। आयनिक पे तो वैसे भी चार्ज होता है, ठीक है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो वही चार्ज हो जाता है। लेकिन हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उनमें कोई चार्ज होता ही नहीं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम उन एटम बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे जैसे वो चार्ज हो, समझ रहे हैं? बोलो, ठीक है। तो एक चीज लिख लो, शायद लिखना भूल गए थे, लिख लो, ठीक है। कल हमने लास्ट में ये लिखा था ना, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब लिखो फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, लिख लो, इफ इफ रिकैप दूंगा, पहले ये बात लिख लो, इफ ऑल द बॉन्ड्स, इफ ऑल द बॉन्ड्स, इफ ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड आर एज्यूम, यार तुम, इफ ऑल द बोन्स कंपाउंड आर एज्यूम्ड टू बी आयनिक, एज्यूम की है, आयनिक है नहीं, एज्यूम टू बी आयनिक, देन द एल्जेब्रिक सम, देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, मैं वहां से लिख रहा हूं, ऑफ दैट एटम इन दैट कंपाउंड। मतलब भी समझाता हूं अभी, ठीक है, पहले लिख लो ताकि हमारा थ्योरी वाला काम खत्म हो, प्योर समझने की बात आ जाए, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने, आप ध्यान से सुनो सारे, पहले नोट करो इसको फटाफट, फिर समझा रहा हूं, तब कोई बोलेगा कुछ भी नहीं और कोई लिखेगा भी नहीं। तो पहले इसको फटाफट लिखो ताकि मैं अपने समझाने वाले पार्ट पर हूं, जल्दी लिखो, सारे बच्चे फटाफट लिखो। दोबारा बता रहा हूं, ये पूरे चैप्टर की, पूरे इनऑर्गेनिक की, पूरी ऑर्गेनिक की जान है ऑक्सीडेशन नंबर। जिसने ये क्लास मिस की, समझ जाओ केमिस्ट्री में हर चीज की इंपॉर्टेंस है। ये कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरी केमिस्ट्री में बार बार आते हैं, बताता हूं बेटा, बताऊंगा। पहले इतना लिखो तो सही, कल वाला वहीं से स्टार्ट करूंगा, कल वाले से, ठीक है, तो टेंशन ना लो, वहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले इसको लिखो, ठीक है, समझाने पर आ रहा हूं मैं, जल्दी लिखो। लिख लिया तुमने, ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखे बेटा, चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 है बेटा, ये लिख लिया तुमने, ठीक है, बड़े आगे चलो। अब सारे नोटबुक अपने, ठीक है, पेन नीचे रख दो, ध्यान से सुनो सारे बच्चे मेरी बात। अब मैंने क्या करना है, ध्यान से देखना, अरे बहुत अच्छा सीज है, सीन है, ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा, कोवलेंट बॉन्ड, समझ लो ध्यान से, मैं क्या बना रहा हूं, मान लो मैंने बना दिया ए, और ए है मेरा, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, मतलब इन दोनों के बीच में दोस्ती है। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों की सेम ताकत है, उस सेम ताकत का मतलब क्या होता है, मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एटम सेम है तो दोनों की सेम होगी, बोलो, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अगर मैं बोलूं इस बॉन्ड का बंटवारा करना है, सुनो, अगर इस बॉन्ड का बंटवारा करना है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं तो इसको कितना मिलेगा, बोलो, इसको कितना मिलेगा, 0, मतलब नेट इसको कुछ फायदा नहीं हुआ, पहले 50-50% ही था, अभी भी 0 और 0 ही रहेगा, समझ रहे हो, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है, लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं हुआ,
इस बोल को तोड़ने पर इसको भी जीरो मिला, इसको भी जीरो, बोलो क्लियर, क्योंकि दोनों में सेम ताकत थी। ठीक है बताओ, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ए और ले लिया बी, अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें फील कराने के लिए कि बी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, मान लेता हूं मैं बी ज्यादा ताकतवर है तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ेपन से कोई ताकतवर नहीं मेजर करेगा, बस मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि मैंने बड़ा बना दिया ताकतवर है, ठीक है क्लियर है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया बी ताकतवर का मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं इस केस में मेरा जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि यहां पर पहले जब दोनों में एक समझौता होगा तब दोनों क्या कहेंगे, हम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे जब समझौता हो रहा होगा, जब बॉन्ड बन रहा होगा, लेकिन बनने के बाद क्या होगा, बनने के बाद बी कहेगा अब तो बॉन्ड बन गया, अब तो बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं ज्यादा पोर्शन अपने पास रखूंगा, मैं ज्यादा हक अपने पास रखूंगा क्योंकि मैं ताकतवर हूं। समझ रहे हो इतनी बात, इतनी बात सारे बच्चे समझ रहे हैं, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, मुझे बताओ ए पर क्या आएगा, ए पर क्या आएगा, बोलो ए पर आएगा पॉजिटिव मतलब प्लस वन, बी पर क्या आएगा माइनस वन, बोलो समझिए, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब अगर मान लो ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब उन्होंने दो समझौते कर रखे हैं, दो समझौते कर रखे हैं बेटा, इस केस में मैंने बोला तो बी की पावर ज्यादा ए से बोला तो, हाँ देखो अब मुझे बताओ अगर मैं ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो जीरो जीरो आएगा, नीचे वाला भी तोड़ूंगा तो जीरो जीरो आएगा, तो नेट क्या हो गया, अरे नेट तो फिर भी जीरो होगा, बोलो समझ रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, मुझे बताओ अगर मैं तीनों बॉन्ड तोड़ देता हूं क्या आएगा, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, बोलो समझ रहे हो, बोलो बच्चों समझ गए। अब देखो अगर मैं ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊं, ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए भी हो सकता है, मैंने माना हुआ बी है, ठीक है मैंने माना है बी है। अब मुझे बताओ अगर मैं ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, ऊपर वाला बॉन्ड, ठीक है कितना आएगा, इस पे प्लस वन, इस पे माइनस वन। अब नीचे वाला तोड़ूंगा कितना आएगा, इस पे प्लस वन, इस पे माइनस वन। अब मुझे बताओ ए पर टोटल कितना आ गया, ए पर टोटल कितना आ गया, प्लस टू, प्लस टू आना बेटा, प्लस वन और प्लस वन टू होता है ना, जीरो कब से होने लग गया। बी पर टोटल कितना आ गया, माइनस टू। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए के ऊपर आ जाएगा प्लस टू और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस टू। अब डेफिनेशन पढ़ो, अरे डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया है, अगर मैं सारे बॉन्ड्स को क्या मान लू, आयनिक, सारे बॉन्ड को आयनिक, आयनिक मतलब तोड़ूंगा एक को प्लस एक को माइनस, तो जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब उस पर जितने भी चार्जेस बन रहे हैं उनको अगर मैं सम कर दूंगा वो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहां देखो ए पर मेरे कितना सम बन रहा है, वन और वन टू बन रहा है, इस पर टोटल कितना सम बन रहा है, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू बन रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी माइनस टू और इसकी होगी प्लस टू। बोलो फंडा क्लियर है, सबको फंडा क्लियर है बेटा, सबको फंडा क्लियर है। मजेदार भी अभी दिखाता हूँ, देखो अगर मान लो एक ए रहा और ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अब मुझे बताओ ज्यादा, अब ए पर कितना आएगा, प्लस थ्री, बी पर कितना आएगा, माइनस थ्री। बोलो समझ रहे हो, एक बॉन्ड तोड़ने पे तो हमेशा एक बॉन्ड तोड़ोगे प्लस वन माइनस वन आएगा, उसमें ये नहीं देखना ज्यादा ताकत वाला तो माइनस टू ना ले ले। अगर बॉन्ड टूट रहा है और दोनों में फर्क है ताकत का तो एक को प्लस वन दूसरे को माइनस वन, बस इतना ध्यान रखो, समझ गए। तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस थ्री, बी का क्या हो गया माइनस थ्री। बोलो सबको फंडा क्लियर है, सबको फंडा क्लियर है, सबको ये फंडा क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब बात है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ताकतवर है, ये तो आपने बता दिया बी ताकतवर है तो हमने तो हड्डियां तोड़ दी, लेकिन हमें एक्चुअल में कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में ताकतवर कौन है, समझ रहे हो, बोलो ठीक है, ठीक है क्लियर है बेटा। कभी भी तीन से ऊपर बॉन्ड नहीं बनते कोवलेंट में, ठीक है तीन ही होते हैं मैक्सिमम, क्लियर है बताओ। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया यार मैंने, अब इसमें भी रिपीट वाला है क्या इसमें। अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ रहा हूं, अगर दोनों सेम है तो दोनों को जीरो जीरो,
अगर दोनों में एक ज्यादा ताकतवर है उस पर माइनस वन, उस पर प्लस वन, उसमें रिपीट क्या करूंगा एक बात बताओ। इतना प्यार से बताया कि अगर एक बोर्ड को तोड़ा, एक ताकतवर है एक कम ताकतवर है, तो जो कम ताकतवर है उस पर प्लस वन, ज्यादा है तो माइनस वन। अगर एक बोर्ड तोड़ने पर ऐसा है तो दो बोर्ड तोड़ने पर भी यही होगा, एक बोर्ड तोड़ो दूसरा बोर्ड तोड़ो तो बी के ऊपर टोटल माइनस टू आ गया, इस पे प्लस टू आ गया। क्लियर है बेटा? बेटा सारे यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, वही तो बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो, मैं वही बोल रहा हूँ। ये नहीं देखना कि भाई यहाँ पर भाई वो ज्यादा ताकतवर है तो भाई वो माइनस टू ले जाएगा, बोंड तोड़ना है प्लस वन माइनस वन, बस ये ना सोचो भाई मैं एक बोंड तोड़ के प्लस ज्यादा ताकतवर ना आ जाए उसमें। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही, यहाँ पर बस ये हो रही है कि छीन ज्यादा किसकी तरफ है, पोर्शन कितना है ये नहीं हो रहा, ज्यादा किसकी तरफ है बस ये देखना है। समझ गए? बोलो। ठीक है, नोट कर लिया था आपने? आप समझो मेरी बात, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, अब इधर देखो। अब बात है हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है। ताकतवर को साइज से कंपेयर कभी ना करना, कभी भी साइज से ताकतवर का अंदाजा नहीं लगा सकता कोई, पता है ना, कोई छोटे छोटे भी, ठीक है, टिकड़ू टिकड़ू से भी मोटे मोटे करा देते हैं। ताकतवर होता है जिगरा, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है किसमें, समझ रहे हो? ठीक है, अब बात आती है तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल पता है सबको, पीरियोडिक टेबल, सबको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है थोड़ा सा कि भाई दिखती कैसी सी है। तो ध्यान रखना जो फ्लोरीन बाबा है ना, फ्लोरीन वो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है टिकड़ू सा, लेकिन सबके धो देता है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कभी भी इसके साथ कोई बॉन्ड बनाएगा ना कभी भी, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को सेंटर में नहीं रहने देगा, वो अपनी तरफ खींच के रखता है, समझ रहे हो? तो फ्लोरीन बाबा अपना डोन बाबा फ्लोरीन, समझ रहे हो? तो फ्लोरीन बाबा जैसे ही आएंगे तो सबने घुटने टेक देने हैं, चुपचाप उस पे माइनस वन दे देने हैं, समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है? फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है डोन नंबर में, डोन नंबर टू है अपना ऑक्सीजन, कौन है? ऑक्सीजन, समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तीसरे नंबर पर डोन आता है अपना नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम ताकतवर वाले हैं, ठीक है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम होते हैं, लेकिन स्लाइटली हम नाइट्रोजन को ज्यादा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सेम ही लेने, लगभग सेम है, मैंने यहां पे देखो लगभग सेम बताया, ठीक है, बोलो। उसके बाद लगा दो यहां पर सल्फर, ठीक है, उसके बाद अपने रेफरेंस के लिए बस कार्बन लगा लो, हाइड्रोजन लगा लो, बाकी बहुत सारे होते हैं, अभी बस मैंने मेन वाले बताए। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, ताकत, स्ट्रेंथ बना देता हूं यहां पे, ठीक है, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है, बाइसेप्स बना दिया मैंने, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, समझ गए? बोल, क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है, बताओ, बोलो। ये रब कर दो, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बेटा, ये बताओ, ठीक है बेटा, वो चीज मैं तुम्हें के बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, वो इस टॉपिक का है ही नहीं, तीन से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बनते, वो मैं बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो अभी इसमें इसके बीच में मतलब उसको। हाँ बेटा, बस इतना ध्यान रखो, कभी भी ये दोनों अगर पार्टनरशिप करेंगे, अगर इनमें पार्टनरशिप होती है तो अगर सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पार्टनरशिप में वो 50% से ज्यादा हक रखेगा, ठीक है, क्लियर है? तो अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, ध्यान से समझो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अगर, तो दो तरीके होते हैं, क्या होते हैं दो तरीके, ध्यान से समझना, दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो तरीके, सबसे पहला तरीका क्या है अपना, यूजिंग स्ट्रक्चर, दूसरा तरीका है यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग स्ट्रक्चर, यूजिंग फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो, अरे सुनो, क्या तुम्हें दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है? क्या दुनिया में तुम्हें हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है?
नहीं पता, इसका मतलब हम ये ज्यादा टाइम तक अप्लाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो हमें ज्यादा अप्लाई क्या करना है, फॉर्मूला वाला, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं ये मेरा एग्जैक्ट मेथड है और ये मेरा एवरेज मेथड है। अगर ये एग्जैक्ट मेथड है तो इससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं ना, वो 100% एग्जैक्ट भी मिलते हैं, लेकिन यहां से एक्यूरेसी एक्यूरेट, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू जो मुझे रिजल्ट मिलते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं हो पाते। और ये तो दुविधा हो गई यार, जो मुझे आता है वो मुझे आंसर सही नहीं दे रहा, जो मुझे नहीं आता वो मुझे आंसर सही दे रहा है, तो हम क्या करें, हम तो लफड़े में पड़ गए। मुझे स्ट्रक्चर सबके आते नहीं है लेकिन मुझे ये आंसर सही देगा नहीं सारा, समझ रहे हो? ये तो लफड़ा हो गया, समझ रहे हो? बोलो बोलो, आया ना, बोलो, समझ रहे हो? मतलब स्ट्रक्चर से आंसर हमेशा सही आएगा लेकिन मुझे सबका स्ट्रक्चर नहीं पता, ये मुझे हमेशा आंसर सही दे जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भाई ये आसान है। तो अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करेंगे, हम बीच का रास्ता लेंगे। क्या लेंगे बीच का रास्ता? हम इतने एग्जांपल्स कर लेंगे, इतने एग्जांपल्स कर लेंगे जिसके अंदर हम ये दोनों को कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है, इतने एग्जांपल्स करेंगे कि हम इन दोनों को इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा किसका आंसर क्या है। क्लियर है? बताओ क्लियर है बेटा? तो पहले हम वो वाला मेथड सीखे जिसके अंदर 100% एक्यूरेट आता है। भाई मुझे तो पहले वो सीखना है ना जिसमें 100% आए, ताकि अगर मेरा एवरेज से गलत भी आ रहा हो मैं इससे प्रूव कर दूंगा कि भाई हमारा गलत क्यों आया। समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो मेरा? समझो, सीखूंगा भाई ये, क्योंकि तो एग्जैक्ट है, यही एक्चुअल में है, लेकिन ये तो हमने तरीका बना रखा है, अगर इसमें बाय चांस कभी गलत आ गया तो मैं चुपचाप स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, स्ट्रक्चर बाबा आंसर दो, मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है? स्ट्रक्चर बाबा कहेंगे यार यार तूने ये गलती करी है, फिर मैं कहूंगा अच्छा ये गलती करी है मैंने। समझ गए सब बच्चे? सब बच्चे समझ गए? बोलो ठीक है, तो स्टार्ट करें यूजिंग स्ट्रक्चर। थोड़ा ही बताऊंगा, इसके अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्ट्रक्चर अभी बस सिखाऊंगा कि हमें बना निकालते कैसे हैं, ठीक है? चलो रब कर दूं, ठीक है, चलो इसको रब नहीं करना। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं CO2 का। CO2 तो ही पहले ले लेता हूं, ठीक है, CH4 का ले लेता हूं सबसे बेसिक एग्जांपल। मुझे बताओ पहले मैं को अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बेटा वही बताऊंगा मैं, अभी भूल जाओ, मैंने बस बोला एक तरीका है उसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। मुझे बताओ इसके अंदर अगर मैं इसके सारे हाथ ठाकुर, इस ठाकुर के सारे हाथ काट दूं, ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं इन सबको तोड़ूंगा, मुझे बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसका ये वाला हाथ तोड़ता हूं तो कार्बन हाइड्रोजन पे क्या आएगा? +1, इस पर क्या आएगा? -1, क्लियर है? अगर मैं इसका ये वाला हाथ तोड़ देता हूं, +1 -1, क्लियर है? अगर मैं ये वाला हाथ तोड़ता हूं, +1 यहां आएगा, -1, क्लियर है? अगर मैं ये वाला हाथ तोड़ देता हूं, +1 और -1, क्लियर है? अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया? इस हाइड्रोजन पर +1, तो आंसर क्या हो गया? इस हाइड्रोजन का +1। इस हाइड्रोजन का कितना आया? देख रहे हो +1, इसका +1 आया। इस हाइड्रोजन का भी कितना आया? +1, देख रहे हो? ऊपर वाला हाइड्रोजन का भी कितना आया? +1, देख लिया सबने। अब मेन मुद्दा तो है कार्बन का, क्योंकि कार्बन के बारे में ज्यादा जानना है, सेंट्रल एटम है वो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, राजा राजा, ठीक है, तो राजा का कितना आया? राजा का बताना, -4। तो मेरा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -4, hence this is my answer। समझ गए? मुश्किल था? बिल्कुल आसान है, ठीक है, ब्रव जो मैंने चीज सिखाई उसके अप्लाई की है। अब अगले एग्जांपल पर आ जाओ, देखो मुझे बताओ अगर मैं इसके दो हाथ तोड़ता हूं, मुझे बताओ इस ऑक्सीजन में कितना आएगा? मुझे बताओ एक बॉन्ड तोड़ने पर आता है -1, तो दो बॉन्ड तोड़ने पर आएगा एक और -1, समझ रहे हो? एक बॉन्ड तोड़ा तो +1 आया, एक और बॉन्ड तोड़ा तो +1 आया, इसको भी तोड़ो, ये बॉन्ड टूटा तो यहां पर +1,
ये बॉन्ड टूटा तो प्लस वन, ये बॉन्ड टूटा तो माइनस वन, ये टूटा तो माइनस वन, समझ रहे हो? तो मुझे बताओ इस ऑक्सीजन में टोटल कितना आ रहा है, इस कार्बन में कितना आ रहा है टोटल, कार्बन में और इस ऑक्सीजन में कितना आ रहा है? हो गया बेटा, साइन के बिना कोई आंसर नहीं बोलेगा इसमें, साइन ही इंपॉर्टेंट है बस। तो ऑक्सीजन कितना होगा माइनस टू, ये ऑक्सीजन भी माइनस टू, और ये कार्बन कितना होगा प्लस फोर। चमक गया सबको, बोलो क्लियर है? प्लस माइनस के बिना तो खेला ही खराब है, जिसने प्लस माइनस नहीं लगाया वो खराब, ठीक है, बेकार हो जाएगा वो, क्लियर है? अगला तुम, ठीक है, स्ट्रक्चर तुम टेंशन ना लो, मैं बना रहा हूं, तुम बस ये देखो कि मैं निकाल पा रहा हूं नहीं, स्ट्रक्चर मैं तुम समझो कि मैं बता रहा हूं बस, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे ही है इसमें हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो फटाफट, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। निष्ठा सारे एग्जांपल कराऊंगा, थोड़ा वेट करो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो बॉन्ड ही बनाता है, उससे कोई बनाता भी नहीं, तीसरा कभी कभी बनाता है, तो तुम उसकी टेंशन ना लो, जो समझा रहा हो वो समझो बस, ठीक है, जो समझा रहा हो उस पर ध्यान दो भी, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता भी कौन कितने बॉन्ड बनाता है, तो बस तुम्हें जो समझाया जा रहा है उस पर अभी अमल करो। मुझे बताओ, ठीक है, बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं तो हाइड्रोजन पर आएगा प्लस वन, इस पे माइनस वन, क्लियर है? ठीक है, बोलो बोलो, हाँ या ना भाई? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों में बॉन्ड तोड़ू, ऑक्सीजन पर क्या आएगा माइनस वन और इस पे प्लस वन, इस बॉन्ड के टूटने पे, बोलो समझ रहे हो? ठीक है, अब अगर मैं ये दो बॉन्ड तोड़ता हूं तो इकट्ठे बना दिया माइनस टू, यहाँ पे प्लस टू बोला है ना, इकट्ठे लिख दिया मैंने, क्योंकि दो बॉन्ड तोड़े, समझ रहे हो? बोलो, अब मैंने ये नीचे वाले दो बॉन्ड तोड़े, यहाँ माइनस टू यहाँ प्लस टू, बोलो समझ रहे हो? अब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर आएगा प्लस वन और यहाँ माइनस वन, क्योंकि मुझे पता है सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा है, एक बॉन्ड टूटा तो प्लस वन। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ माइनस वन और यहाँ प्लस वन, अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन में कितना आ रहा है टोटल? प्लस वन। इस ऑक्सीजन पे टोटल कितना आ रहा है? इस ऑक्सीजन पे माइनस टू, समझ रहे हो? इस सल्फर में कितना आ रहा है? सल्फर पे टोटल प्लस सिक्स, दिख रहा है सबको? इस सल्फर का प्लस सिक्स, इसका माइनस टू, इसका प्लस वन, इस ऑक्सीजन में कितना आ रहा है टोटल? इस ऑक्सीजन पर और इस हाइड्रोजन पर सबके निकाल लिए, बोलो क्या मुश्किल है? एक चीज लगा सीखी और हर जगह लगा रहे हैं, समझ गए? बोलो, अब एक क्वेश्चन देता तुम पूरा करोगे, देखो टोटल जीरो ही आ रहा होगा, टोटल करके देख लो जीरो आएगा, चाहे टोटल करके देख लो जीरो आएगा, तभी तो H2SO4 को न्यूट्रल है, ये मैंने H2SO4 बनाया है, H2SO4 देख लो, H2SO4 में कोई चार्ज होता है? नहीं होता, और यहां पर भी चार्ज नहीं आएगा, पूरा नेट जीरो आएगा, देख लेना, करके देख लेना, समझ गए? बोलो बेटा, कंबाइंड नहीं पूछ रहा मैं एक एक का पूछ रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ वो देखो अभी बस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें कर दे, ठीक है, ये रब कर रहे हो नीचे वाला पार्ट, ठीक है, अब ये तुम्हें मुझे करके बताना, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं, आसान सा दूंगा। हर एक एटम का निकाल दो इसमें फटाफट, बेटा यार चार्ज वगैरह कुछ ऐड ही नहीं करना, तुम अपना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ इससे ज्यादा भी नहीं बताया, सोचना ही नहीं है, ऐड करके क्या करोगे, हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो हर एक के बारे में बताना है बस, और एक के बारे में बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यही होता है, जल्दी निकालो सबका, सारे आइटम्स का बताओ इसमें।
निकाल लिया। बहुत बढ़िया, आसान है, कुछ मुश्किल ही नहीं है। देखो इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ा प्लस वन माइनस वन, इस बॉन्ड को तोड़ा माइनस वन प्लस वन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड देखें। अब इसको तोड़ूंगा तो माइनस टू प्लस टू, इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा क्या आएगा बताओ, जीरो जीरो, तो यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ूंगा क्या आएगा, क्योंकि भाई 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 है ना, ये सेम सेम है, समझ रहे हो। अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा क्या आएगा, जीरो जीरो। अब मैं अगर इस बॉन्ड को तोड़ूंगा माइनस टू प्लस टू, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा प्लस टू माइनस टू, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा अगर प्लस वन माइनस वन, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा माइनस वन प्लस वन। आसान है, अपने आप करो, देखो मत, टेपो मत, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन पे कितना आया प्लस वन, इस ऑक्सीजन पे कितना आया माइनस टू, इस सल्फर पे कितना आया, इस सल्फर पे कितना आ रहा है प्लस थ्री, इस सल्फर पे जीरो, इस सल्फर पे भी जीरो, इस ऑक्सीजन पे माइनस टू, इस सल्फर पे कितना आ रहा है इस ऑक्सीजन पर, इस हाइड्रोजन पर, इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन पर, हो गया। क्या मुश्किल था, इतना बड़ा मॉलिक्यूल भी तुमने कर डाला, समझ गए, बोलो बोलो समझ गए। इसका मतलब स्ट्रक्चर से तो मैंने सारे आंसर सही निकाल लिए, मैं कोई भी दे दूं तुम कर लोगे, ठीक है, चाहे मैं तुम्हें हजार दे दूं, अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा तो तुम कर जाओगे, ठीक है। अब दिक्कत है, अगर मुझे एवरेज वाला सीखना है, समझ रहे हो, एवरेज, उसके लिए हमें बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि उससे मेरा आंसर आए तो कुछ रूल समझने पड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है, वो एक मेथड है, ये तो हमने मेथड समझ लिया, उस मेथड के लिए कुछ रूल्स है, और रूल्स आए कहां से, वो रूल्स कौन दे सकता है बताओ, वो रूल्स कौन सा मेथड देगा, स्ट्रक्चर वाला, जो भी मैं रूल्स लिखवाने वाला हूं वो स्ट्रक्चर ही तो बता के देगा तुम्हें, बस हम वहां लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली बात पता है कि इससे जो मेरे रूल बनेंगे वो हर जगह लगभग सही हो सकते हैं, समझ रहे हो, बोलो बेटा, नेम पे मत जाओ कि मैंने ऐसे बना दिया था, नेम पे मत जाओ, ठीक है, समझ गए, रब कर दो बेटा, हेडिंग डालो, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा सारा बताऊंगा नमन, कुछ नहीं छोड़ूंगा, पहले समझ लो, सारा बताऊंगा, तुम्हें ज्यादातर तो इसको यूज करना होता है, तुम्हारे पूरी यूज होगा इसी का पूरा, ठीक है, उसका यूज स्ट्रक्चर का बहुत कम होता है, उसका तभी यूज करते हैं जब इससे आंसर ना आ रहा, ठीक है, तो पहले इसको समझो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो मैंने समझा दिया है, बस तुम्हें अलग अलग मॉलिक्यूल दे दूंगा तुम निकाल लोगे, ठीक है। रूल्स लिखो, सबसे पहला रूल लिखो, ठीक है, रूल्स है, सारे याद होने चाहिए, एक्सप्लेन भी करूंगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं H2 लेता हूं, H2 कैसा होता है बताओ, देखो ऐसा होता है ना H2, सबको पता है, बोलो मुझे बताओ, अगर मैं इसके बोन को तोड़ता हूं क्या क्या आएगा, बोलो, जीरो जीरो, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब वो है जो मुझे नेचुरली जैसे मिलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मुझे ऐसे मिलता है, ऑक्सीजन मुझे ऐसे मिलता है, N2 मुझे ऐसे मिलता है, सोडियम मुझे ऐसे मिलता है, पता ना, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सारे मेटल ऐसे मिलते हैं, आयरन मुझे ऐसे मिलता है, समझ रहे हो, कॉपर मुझे ऐसे मिलता है, तो इन सब का हमने क्या लेना, जीरो, क्योंकि नेचुरल स्टेट है,
ठीक है, मैंने प्रूफ भी कर दिया, हम स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, समझ रहे हो? बोलो पहला रूल सबको क्लियर है? पहला रूल सबको क्लियर है? बोलो, आसान है, वो रूल वहीं से आएंगे जो कि हमने सीखे है, बस यहां पर उसको रूल बना देंगे। अगला रूल देखो, एल्कली मेटल्स को जानते हो? एल्कली मेटल्स कौन होते हैं? ग्रुप वन वाले सबको पता है। मुझे बताओ उनपे चार्ज लगभग कितना होता है, हम कितने कंपाउंड्स पढ़ते हैं, उनपे चार्ज कितना होता है? वन होता है ना। और मैं तुम्हें क्या बताया, आयनिक कंपाउंड में जो उनपे चार्ज होता है वही क्या होता है उनका, आयनिक कंपाउंड में जो उनपे चार्ज होता है वही उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनके लिए हमेशा मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। फिक्स, समझ रहे हो? फिक्स। अब बता दो एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा आयरन का, बेटा इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? बेटा ये मेटालिक बॉन्ड है, इसके अंदर आयरन, बहुत सारे आयरन पड़े हुए बस इकट्ठे, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ग्रुप 2। इन पे कितना चार्ज होगा बताओ? +2। समझ रहे हो? बोलो। अब देखो अगला क्या है, अगला अगला देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, ध्यान समझना, इज +1, ठीक है? कब होगा ये? व्हेन अटैच्ड। मुझे बताओ हाइड्रोजन पर +1 कौन ला सकता है? जब उसके साथ में कौन लगाओ, जब उसके साथ में कौन लगाओ उससे ज्यादा ताकतवर, जब उससे ज्यादा ताकतवर होगा तो ही वो उस पर ला पाएगा, बोलो, ठीक है? When attached to more electronegative atom, बोलो हाँ या ना। अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर होगा वो उस पर नेगेटिव लाएगा, बोलो, और पॉजिटिव लाएगा, सॉरी, ठीक है? जैसे एग्जांपल देखो, HCl है, ठीक है, H2O है, H2O, NH3 है। मुझे बताओ सारे जो नॉन मेटल्स है वो जनरली हाइड्रोजन से ताकतवर है, बोलो, वो सारे हाइड्रोजन से ताकतवर है, बोलो, ठीक है? वो मेरे हाइड्रोजन से ताकतवर है, तो देख लो सारे केसेस में क्या आ रहा है, इस पे +1 आ रहा है, देखो, देखो प्रूफ भी कर रहा हूं, रट्टा नहीं मारना, समझना है। लेकिन सोचो, अरे यार सोचो, अगर कोई हाइड्रोजन से वीक आ गया, सोचो हाइड्रोजन अभी तक तो अत्याचार सह रहा है, अगर कोई उससे वीक आ गया, मुझे बताओ वो उसके साथ क्या करेगा, क्या करेगा? -1 अपने ऊपर ले आएगा, उसको गरीब कर देगा, बहुत अत्याचार होगा हमारा, हमारे ये लगा लो कि पूरे चैप्टर में विचार करेगा, अत्याचार ही होता रहेगा, लेकिन सिर्फ वो डोमिनेंट कब रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, डोमिनेंट रहेगा, -1 कब शो करेगा, व्हेन अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं, लिख लो जनरली मेटल्स, तुम्हें पता होगा मेटल्स ही तो होते हैं जो बेचारे इतने सीधे होते हैं, वो कहता है यार इलेक्ट्रॉन ले जा ले जा ले जा, मुझे नहीं चाहिए, मेटल तो करते ही यही है कि भाई जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं ले जाओ, मैं यहाँ दान करने के लिए बैठा हूँ। तो मुझे बताओ अगर मेटल्स आ जाएंगे तो हाइड्रोजन अपने ऊपर कैसा शो करेगा, बोलो कैसा शो करेगा, बोलो भाई कैसा शो करेगा, -1, समझ गए? तो हाइड्रोजन के दो केस बन गए, केस 1 और केस 2, समझ गए? समझ गए बेटा, ठीक है? तो जनरली तो तुम्हारा +1 ही रहेगा वो, लेकिन कभी दिख जाए ना मेटल आ गया तो थोड़ा सोच लेना। एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे NaH है, ठीक है, जैसे MgH2 है, मुझे बताओ इस केस में हाइड्रोजन पे क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, बोलो बेटा, -1, समझ गए? इसमें अगर मैं हाइड्रोजन को ले आऊं, एक हाइड्रोजन में कितना आएगा? क्लियर है बेटा, क्लियर है? आगे बढ़े, आसान है ना? समझ के कर रहे हैं हम, कुछ रट्टा नहीं मार रहे, सारी बातें मैं समझा चुका हूं स्ट्रक्चर में, ये तो बस अप्लाई, अब एक फॉर्म वो बना रहे हैं, नोट कर लेना, साथ साथ रब कर दो, ऊपर वाले रब कर दो एक दो, ठीक है, साथ साथ, ठीक है, ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं बस।
अगला देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली माइनस टू। बताओ माइनस टू कब होगा? बोलो भाई माइनस टू कब होगा? माइनस टू कब होगा? जब वो अपने से वीक के साथ लगा होगा। समझ रहे हो? मतलब जब वो when attached to less electronegative element। बोलो ठीक है, कंसेप्ट समझा रहा हूं पूरा। हाँ इसको और क्या जनरलाइज कर सकता हूँ, समझ रहे हो? बोलो। जैसे देखो अगर मैं पानी ले आता हूँ, पानी अगर मैं ले आता हूँ ये भी ले आऊंगा, मुझे बताओ इसमें ऑक्सीजन पर क्या होगा? माइनस टू होगा। बोलो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन पे? माइनस टू होगा। बोलो समझ रहे हो? लेकिन सोचो यार, सोचो अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आ गया, तो उसका बुरा हाल कर देगा। फ्लोरीन तो कहेगा भाई छोड़ने नहीं वाला तुझे, फ्लोरीन तो क्या कहेगा भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो? बोलो बोलो, समझ रहे हो बेटा? तो जनरली तो माइनस टू लेना है। यहाँ पर एक नोट बना के लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ऑक्सीजन के केस में नोट बहुत जरूरी है, इस केस में नोट। बता रहा हूं बेटा, नोट में वही बताऊंगा, जनरल वाला अलग लिखा है जो मेन है। अब नोट में बात ध्यान दो। हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ अमूल्य, अभी वही सिखा रहा हूँ, मैंने जनरली बताया जनरली। ठीक है अभी बताता हूँ क्या क्या और हो सकते हैं। ठीक है नोट बना के लिख लो। एक तो अगर परोक्साइड आ जाए, ठीक है एक मेरा कौन आ जाए, पर सुपर ऑक्साइड आ जाए, और कौन आ जाए, ठीक है और कौन आ जाए, ठीक है यहां से भी रब कर रहा हूं, ठीक है और कौन अगर आ जाए मेरा, ऑक्सीफ्लोराइड। इन तीनों केस में मेरा माइनस टू नहीं होता, समझ रहे हो? माइनस टू नहीं होगा। अब समझते हैं इनका मतलब क्या, ध्यान से समझना। परोक्साइड देखो, परोक्साइड सोचो, अरे परोक्साइड क्या होता है? देखो बहुत मजेदार चीज है, परोक्साइड होता है जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। समझ रहे हो? मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और यहां पर मान लो मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा दिया। परोक्साइड वैसे तो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इसको हाइड्रोजन परोक्साइड बोलते हैं। ठीक है क्योंकि मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। समझ रहे हो? बोलो। अब मुझे बताओ अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या आएगा? जीरो जीरो। इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या आएगा? माइनस वन प्लस वन। इस बॉन्ड को तोड़ूंगा माइनस वन प्लस वन। तो मुझे बता दो बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन पर कितना टोटल चार्ज आ रहा है? माइनस वन। यहाँ पर माइनस वन। इस हाइड्रोजन पर प्लस वन। इस हाइड्रोजन पर प्लस वन। लेकिन मेरा क्या ध्यान देना है, ऑक्सीजन पर माइनस वन आ रहा है इसमें। बोलो सब समझ गए? बोलो क्लियर है? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं परोक्साइड बॉन्ड। ठीक है ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बॉन्ड मेरा परोक्साइड बॉन्ड होता है, लिख लेना। इसको हम बोलते हैं परोक्साइड बॉन्ड। ठीक है H2O2। क्लियर है बेटा सबको? बताओ मजेदार चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब मैं उसके बाद आता हूं ऑक्सीफ्लोराइड पर। ऑक्सीफ्लोराइड है मेरा, मुझे बताओ, अरे मुझे बताओ बाबा, मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीजन को दो दो फ्लोरीन ने घेर लिया, ऑक्सीजन का क्या हाल हो जाएगा इधर, सोचो ऑक्सीजन का क्या हाल हो जाएगा, ऑक्सीजन का बुरा हाल हो जाएगा यार, कैसे बताऊं, ऑक्सीजन तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद क्यों हो जाएगा बेचारे को? यहां से भी प्लस वन, यहां से भी प्लस वन। ऑक्सीजन पर कितना आ गया? अरे यार बोलो, ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा?
प्लस टू भाई साहब ऑक्सीजन का मासा खराब हो जाएगा कि भाई मैं सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तुम मुझे प्लस टू में ले आए, सोच रहे हो प्लस टू जो मैं सोचता भी नहीं था, समझ रहे हो, बोलो बोलो ठीक है। और सोचो अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं फ्लोरीन को छोड़ के बीच में ऑक्सीजन लगा दूं उसके, अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई क्या होगा, अब ऑक्सीजन पे कितना आएगा, अब ऑक्सीजन पे यहां तो जीरो जीरो, लेकिन प्लस वन तो अभी भी आएगा, तो इस ऑक्सीजन पे कितना आ गया, प्लस वन, इस ऑक्सीजन पे भी प्लस वन, बोलो समझ गए बेटा, सारे समझ गए, बोलो क्लियर है, मजेदार चीज है, बता रहा हूँ बेटा। सुपर ऑक्साइड में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सुपर ऑक्साइड में बस इतना ध्यान रखो, सुपर ऑक्साइड इधर लिख रहा हूं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड होती है O2 के ऊपर नेगेटिव, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस वन बाई टू, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस अभी लिख लो, ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तुम इसको सोच नहीं पाओगे, केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें नहीं आता, ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है अभी नहीं, यहाँ पर बस लिख लो O2 नेगेटिव होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस वन बाई टू, बस लिख लो, उससे ज्यादा अभी नहीं बता सकता, आगे बताऊंगा, ठीक है। सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है O2 नेगेटिव, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल सुपर ऑक्साइड है KO2, समझ रहे हो, एग्जाम्पल लिख लेना KO2, ठीक है, एग्जाम्पल KO2 लिख लेना, सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है तुम्हारे लिए इतना भी, क्योंकि तुम्हें अभी नहीं पता इसके बारे में, बेटा इसका नाम की बात नहीं कर रहा, सुपर है या कुछ है उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है तो अभी भी परऑक्साइड लिंकेज, बेटा आयरन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा, मेटल का कोई स्ट्रक्चर, मेटल क्या होता है, पड़े रहते हैं वो, बस एक दूसरे का चिपके पड़े, और कुछ भी नहीं है, उनमें स्ट्रक्चर में जाना ही नहीं, बस याद रखो नेचुरली पाए जाते तो जीरो लेना बस, ठीक है, बढ़े आगे, रूल्स को आज खत्म करना है, रूल्स को लास्ट रूल बचा है बस, जल्दी रूल को खत्म करते हैं, ठीक है, जल्दी ध्यान दो इधर, ठीक है, कहां से रब करना है मुझे, नीचे वाला रब कर दूं, चलो बेटा इसके ज्यादा डिटेल में मत जाना भी, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, तुम्हें परऑक्साइड पर ध्यान देना है बस, अभी ज्यादा परऑक्साइड इंपॉर्टेंट है अभी, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड हो, एक बॉन्ड होता है, ठीक है, अगला लिखो हैलोजन्स, हैलोजन्स कौन होते हैं पता है, हैलोजन्स कौन होते हैं बेटा पता है, हैलोजन्स का मतलब है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, सारे फ्लोरीन की बिरादरी, समझ रहे हो, 17 ग्रुप वाले, ठीक है, हैलोजन्स लिख लो, हैव जनरली माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जनरली माइनस वन होता है, रीजन क्या होगा, कुछ सोचो, माइनस वन कब शो करेगा वो, जब वो क्या लिख सकता हूं, व्हेन अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बोलो समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ले लिया HF, HCl, ठीक है, और कौन सा मैं ले सकता हूं, ठीक है, अगर मैं बात, ठीक है, नॉर्मली एक दो ही ले लिए, मुझे बताओ यहाँ फ्लोरीन पे माइनस वन, यहाँ क्लोरीन पे माइनस वन, ठीक है, समझ रहे हो, अगर मैं HBr भी ले लू, यहाँ ब्रोमीन पे भी क्या आएगा, माइनस वन, समझ रहे हो, बोलो बोलो समझ रहे हो, बोलो बोलो, आप इसका भी एक नोट बना लेना, इसके भी नोट बना लो, ठीक है, इसका भी नोट बना लो, हैलोजन्स के केस में भी नोट, बहुत बहुत तुम्हें प्यार से बनवा रहे हैं सारी चीजें, चल जा भाई, ठीक है, नोट बना लो, नोट बना लो, मुझे बताओ फ्लोरीन क्या शो करेगा, जल्दी बताओ फ्लोरीन क्या शो करेगा, बोलो भाई, फ्लोरीन सिर्फ माइनस वन लिख लो, फ्लोरीन ओनली शोस माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर, समझ रहे हो, बोलो, अब ये ना बोल देना, अब मैं अगर तुमसे बोलूं F2 के अंदर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या होगी F2 में, F2 में तो जीरो ही होगी ना, ठीक है, वो तो एक एलिमेंट, वो तो मिलता ही मुझे ऐसे है, वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है, वो मतलब एलिमेंटल फॉर्म है,
क्योंकि तुम देख भी सकते हो एफ और एफ ऐसे टूटेगा तो जीरो जीरो आएगा। फ्लोरीन फ्लोरीन से लड़ाई थोड़ी करेगा, ठीक है, लेकिन जब भी वो किसी के साथ मिलेगा तो जब मैं उसका बोन तोड़ूंगा तो माइनस वन शो करेगा, समझ रहे हो? ठीक है, ये ना बोल देना सर ने तो लिखवाया था माइनस टू होता है, माइनस वन सॉरी, पहली बात समझ के बोलो। ठीक है लिख लो, ठीक है अगर हाँ बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे नेचुरली पाया जाता है। अब देखो अदर हेलोजन्स लाइक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो व्हेन अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ रहे हो? एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा इसके, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया पहले ये बताओ, लिख लिया सबने? साथ साथ लिख रहे हो ना, ऊपर वाला तो रब कर दूं, ये जनरल वाला, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया मान लो OCl और OCl, मुझे बताओ यहाँ क्लोरीन पे क्या आएगा, मुझे बताओ यहाँ क्लोरीन पर क्या आएगा, बोलो। प्लस वन और प्लस वन, पता है ना ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ रहे हो? बोलो अगर मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, अगर मैं क्लोरीन के ऊपर तुम्हें क्या लगा के दे दूं, क्लोरीन पे क्या आएगा बताना, क्लोरीन पे बोर्ड के ऊपर जा रहा है क्या, वो दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, दिख नहीं रहा, ठीक है नीचे बना देता हूँ थोड़ा, ये इसको रब कर रहा, क्लोरीन बताओ यहाँ क्या शो करेगा, दो 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 और एक, टोटल कितना हो गया, आसान है देखो, यहां से दो यहां से दो यहां से दो और यहां से एक, प्लस सेवन, समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? जैसे मैं लिख दू अगर, ठीक है आई एफ सेवन लिख दू, ऐसे लिख दू, मुझे बताओ आयोडीन कितने शो करेगा, आयोडीन पता है फ्लोरीन एक तोड़े एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है तो क्या शो करेगा, प्लस सेवन, समझ रहे हो? मतलब वो कुछ भी शो करेगा, प्लस शो कर सकता है, बस मैं ये कह रहा हूं, समझ रहे हो? वो डिपेंड करेगा अगर साथ वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर है बताओ, सबको क्लियर है बेटा, सबको ये बात क्लियर है बताओ, ठीक है बेटा? कुछ नहीं है, आई एफ सेवन है तो सात फ्लोरीन लगा दो इस पे, ठीक है तो खुद बताओ सात फ्लोरीन अगर लग गए आयोडीन पे क्या आएगा, आयोडीन को चूस लेंगे बिल्कुल, बुरा हाल हो जाएगा ऊपर आपस में, समझ रहे हो? उसका बुरा हाल कर देंगे वो, ठीक है एक पॉइंट लिख लो, ठीक है फिर भागो, एक पॉइंट लिख लो, कल हम इसकी सारी एप्लीकेशन करेंगे रूल्स की, तो कल तो ये अप्लाई करने का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि अप्लाई करना ही सीखना होता है, ठीक है रूल जो हमने इसको समझाया उसको अप्लाई कैसे करना है वो कल सिखाऊंगा। आप एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर जाओ सम ऑफ, हाँ मतलब जब भी क्लास है, शायद कल भी हो सकती है बेटा, हम दो हमारी क्लास कल भी हो सकती है तो पढ़ के रखना, ठीक है शायद हमारी कल भी हो सकती है, बता दूंगा कंफर्म नहीं है, अगर क्लास में मैसेज आया तो कल होगी वरना नहीं होगी, ठीक है लिख लो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स Of all the elements, या of all the elements या atoms देख लो, present in the molecule, is equal to the charge present on it. मतलब क्या है? मुझे बताओ CO2 में
जैसे मैं तुम्हें बता ही रखा है, CO2 का अगर मैं इसकी निकालता हूँ प्लस टू फोर आती है, इसकी निकालता हूँ माइनस टू, तो मुझे बताओ नेट जो आ रहा है चार्ज वो क्या आ रहा है? जीरो। और वैसे भी मुझे क्या दिख रहा था? जीरो। लेकिन अगर मैं जैसे ये SO4 2 माइनस, सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसके सल्फर की और चार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो मेरा जो चार्ज आएगा ना, जो मेरा वैल्यू आएगी वो माइनस टू ही आएगी। समझ रहे हो? मतलब जो उस पर चार्ज होगा वो उसके इक्वल होगा, मतलब इन सबका सम, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा माइनस टू के बराबर आएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो मैं कल अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो कल वाली क्लास तो और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि अगर ये सीख लिया अप्लाई करना नहीं आया तो क्या ही होगा। मयूर बेटा कोशिश है नेक्स्ट संडे मंडे से हो जाए, इसलिए कल एक्स्ट्रा क्लास शायद लग सकती है। बेटा ये नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताऊंगा अप्लाई जब करूंगा, बस ये ध्यान रखो अगर मैं बोलूंगा सल्फर की और चार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करो तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए, आंसर होगा माइनस टू। ठीक है? टोटल अगर मैं बोलूंगा इसमें सबका ऐड करो तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। ओके चलो ठीक है, बाय बाय।